हेलो वेलकम। तो मोस्ट अवेटेड टॉपिक दैट इज लेथ मशीन एंड इट्स पार्ट्स स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो प्लीज़ फटाक से अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज़ द लेथ मशीन एंड उसके पार्ट्स वगैरह हम जानेंगे। तो जैसे कि आपको ये थंबनेल में दिख रहे हैं जो है वो लेथ मशीन ही है जो अब तक हमने डाला था। तो लेथ मशीन जो है वो सबसे बेसिक मशीन है जो जिसकी ज़रूरत या फिर एक्चुअली जो सीएनसी वीएमसी एचएमसी जो अभी जो मशीनरीज आए हैं तो उनकी शुरुआत जो है वो वहाँ से हुई है। तो वो बाद में ऑटोमेशन में जाते जाते आगे जा चुका है, बट अभी भी सम जगह कुछ इंडस्ट्रीज़ में लेथ का इस्तेमाल किया जाता है बेसिक ऑपरेशंस के लिए, टर्निंग या फिर थ्रेड कटिंग के लिए या फिर बोरिंग के लिए। जो बड़े जॉब्स ऑपरेशन करने होते हैं या फिर प्रोसेस करने होते हैं उनके लिए लेथ ही इस्तेमाल किया जाता है। तो लेथ मशीन इज़ अ यू कैन से जो है वो फादर ऑफ मशीन ऐसे भी कहा जाता है। तो बेसिक ऑपरेशंस जो हमने यहाँ पर कर सकते वो बहुत सारे, टर्निंग फेसिंग स्टेप टर्निंग ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन जो मशीन्स के पार्ट्स के जो ऑपरेशन जो मशीन शॉप में आप सीखते हैं या फिर करते हैं उनका इस मशीन पे किया जाता है। तो ये जानते हैं मशीन्स के पार्ट्स क्या होते हैं या फिर ऑपरेशन जो हम कर सकते हैं यहाँ पर, देन इसके बारे में और भी डेप्थ में कैलकुलेशंस वगैरह है तो वो अलग एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो इमेजेस डाला है ताकि आपको कहीं एक नाम अगर मिस हुआ है तो भी आपको ये हो सके। तो ये जो आपका जो सबसे पहला जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका बेड। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है आपका बेड। तो ये जो है ये पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज अ बेड यहाँ पर मेंशन किया है। ओके, देन बेड होने के बाद आपका हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक, जहां पर आपका मोटर फिक्स होता है दैट इज कॉल्ड एज हेड स्टॉक, वेयर यू कैन चेंज द स्पीड। आप स्पीड वेरी को वेरी कर सकते हैं, गियर कटिंग का सेटिंग कर सकते हैं, तो या फिर चक यानी कि जहां पर जॉब को होल्ड किया जाता है तो वो साइड जो होता है उसको हेड स्टॉक। आई होप इट इज क्लियर दैट विच पार्ट इज कॉल्ड एज अ हेड स्टॉक। एंड टेल स्टॉक इज नथिंग बट वेयर आपका डेड सेंटर होता है, ये जो सेंटर होता है जहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपका जॉब फिक्स किया जाता है। तो ये पार्ट इसको लाइव सेंटर भी कहा जाता है और इसको डेड सेंटर भी कहा जाता है या फिर इसको टेल स्टॉक भी कहा जाता है जो यहाँ पर लिखा है। वाई इट इज कॉल्ड एज अ लाइव सेंटर एंड डेड सेंटर, बिकॉज यहाँ पर जो है वो पार्ट आपका रोटेट होता है। ओके, वहां पर आपका पार्ट जो है रोटेट होता है, वहां पर आपका पार्ट जो है मोटर होता है, गियर सिस्टम होता है, तो इट इज इन द लाइव इन द ऑपरेशन मोड। ओके, सो दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड एज अ लाइव सेंटर, और इसको डेड सेंटर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई पार्ट मूविंग नहीं होता है। ओके, देन सो दिस इज अ कैरिज, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड एज अ कैरिज, एंड दिस पोर्शन इसके ऊपर जो है ये क्रॉस स्लाइड यानी कि ये आगे पीछे जॉब की तरफ मूव करता है, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एज क्रॉस स्लाइड। और कंपाउंड रेस्ट, जहां पर टेपर टर्निंग के लिए ऊपर सबसे जो ऊपर होता है उसको कंपाउंड रेस्ट कहा जाता है। ओके, यहां पर देखिए ये कैरेज है। ओके, देन ये जो पोर्शन है ये वाला ऊपर वाला, तो ये आगे पीछे करता है। जब अगर समझो आप अभी फिलहाल लेथ के सामने खड़े हो तो ये पोर्शन आगे यहाँ इस तरह मूव करता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपके सामने आगे पीछे मूव करेगा।
उसकी वजह से उसको क्रॉस स्लाइड कहा जाता है। और ये जो ऊपर जो है उसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हो, ऐसे एंगल कटिंग कर लो या फिर टेपर कटिंग के लिए। और यहाँ पर देखिए जो जॉब ऐसे लगाया ना, ये देखिए टेल स्टॉक यानी कि ये सपोर्ट के लिए होता है, एंड दिस इज चक जिसके बीच आपका जॉब होल्ड किया गया। ओके, इसके अंदर आपका गियर बॉक्स रहता है जहां पर आप स्पीड को वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर गियर्स का सेटिंग होता है, यहाँ पर पीछे पुल्ली होता है, स्टेप डाउन पुल्ली, स्टेप अप पुल्ली, तो उसकी उससे आप स्पीड को वेरी कर सकते हो। समटाइम्स अभी यहाँ पर दिखाया पुल्ली, तो पीछे भी रहता है जहाँ पर आप स्पीड को वेरी कर सकते हो। देन सो दिस इज अ रैक, ओके दिस इज अ रैक। सो यहाँ पर अभी एक स्लाइड नहीं है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ द लेथ। तो आप अगर लेथ खरीदना चाहते हैं या फिर आपको सिलेक्ट करना है, तो यू विल सिलेक्ट लेथ ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिकेशंस। सो व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द लेथ, हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट विच टाइप ऑफ अ लेथ यू आर गोइंग टू बाय, डिपेंडिंग अपॉन द योर नीड, विच टाइप ऑफ योर जॉब यू आर प्रोसेसिंग। तो किसी को अगर ये लेंथ ज़्यादा चाहिए, सो बेड लेंथ कहा जाता है। सो द बेड लेंथ इज वन स्पेसिफिकेशन, ऑन दैट फैक्टर वी डिसाइड द लेंथ। देन स्विंग डायामीटर, क्योंकि अभी ये जो डायामीटर है कम दिख रहा है, सो समटाइम्स यू रिक्वायर इट इज अ मोर, सो दैट इट इज कॉल्ड एज अ स्विंग डायामीटर। एंड देन यू डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द लेंथ, स्पीड ऑफ द लेंथ, स्विंग डायामीटर, बेड लेंथ, ओके देन depending upon the other facilities, those are called as specifications of the lathe. okay, those are called as specifications of the lathe. यहाँ पर स्लाइड नहीं है, बट जाके आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ स्पेसिफिकेशंस ऑफ द लेथ करके। सो उन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर आप लेथ का जो साइज है या फिर उसका प्रोसेस है, आपको जब खरीदना होता है तब आप यू कैन डिसाइड दैट वन। ओके, बेड लेंथ, स्विंग डायामीटर, देन स्पीड, देन फीड रेट, ओके सो दिस ऑल थिंग्स यू कैन डिसाइड। सो आई होप आपको क्लियर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लीड स्क्रू, ऐसे एक रॉड जो रहता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ लीड स्क्रू या फिर फीड शाफ्ट उसके नीचे वाला। सो दिस इज अ स्पिंडल, ओके स्पिंडल, इसके आगे यहां पर चक होता है। सो वंस अगेन आई विल रिपीट, बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, कैरेज, देन स्पिंडल, चक, दिस इज डेड सेंटर, ओके। सो ये सभी लेथ्स के पार्ट्स हैं, ओके। देन अगर आपको मशीनिंग करना है, तो यहाँ पर कौन से ऑपरेशंस या फिर जो यहाँ पर मेंशन किया है, फॉर मशीनिंग द जॉब द एंड द कटिंग द टूल नीड टू बी मूव्ड रिलेटिवली, यानी कि आपको जब भी मशीन पे मटेरियल को रिमूव करना होता है ना, तो इसको घुमाना पड़ता है, जॉब को घुमाना पड़ता है और टूल को आगे पीछे या फिर मटेरियल को रिमूव करने के लिए आगे पीछे करना पड़ता है, तब जाके मटेरियल निकलता है। सो यू कैन प्रैक्टिकली यू कैन ट्राई दैट वन। सो दस स्पेसिफिकेशन या फिर दस प्रोसेस जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देन ऑपरेशंस कौन से आप कर सकते हो विद हेल्प ऑफ द लेथ मशीन्स। सो लाइक अ फेसिंग, जब आप कोई आपका अगर जॉब है तो उसके जब एक साइड वाला, इसे अगर एक रॉड है करके समझो, साइड वाला आप जब मटेरियल निकाल, दैट इज कॉल्ड एज अ फेसिंग, ओके देन सेंटरिंग या फिर टर्निंग यू कॉल इट इज, ओके देन इसको ही रफ फिनिशिंग कर सकते हो या फिर फिनिश्ड कर सकते हो। देन चैम्परिंग मतलब एज निकालना होता है, देन दैट इज कॉल्ड एज चैम्परिंग, ओके देन एक्सेल ड्रिलिंग बाय होल्डिंग द कटिंग टूल इन टू द टेल स्टॉक, एंड देन टेपर टर्निंग यानी कि एक एंगल में आपको अगर कट करना है, देन इट इज कॉल्ड टेपर टर्निंग। सो टेपर टर्निंग करने के लिए मेथड्स अलग अलग है, ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक, स्विंग द कंपाउंड स्लाइड और
यूजिंग द टूल विद द टेपर शॉर्ट ओवर एंड देन यूजिंग द टेपर टर्निंग अटैचमेंट इफ अवेलेबल एंड कंबाइनिंग द लॉन्जिट्यूडनल फील. यानी कि समटाइम्स आपको जब क्रॉस में कट करना होता है तो एक तो जॉब को आप शिफ्ट करोगे, फिर टेल स्टॉक को शिफ्ट करोगे, फिर टूल को आप शिफ्ट करते हो, तो अलग अलग प्रोसेस है. ओके, तो कंपाउंड रेस्ट मेथड क्या होता है आपको जानना जरूरी है इन डेप्थ आपको, या फिर टेल स्टॉक शिफ्ट ओवर मेथड क्या होता है करके. ओके, सो उस उन ये जो मेथड है इनको टेपर टर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. देन बोरिंग आप कर सकते हो. बोरिंग यानी कि जब आपको आपको सिंपल एक होल निकालना, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिलिंग, बट आपको मोर अमाउंट ऑफ मटेरियल ज़्यादा निकालना होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ बोरिंग. तो उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रेट या फिर टेपर बोरिंग इट कैन बी अवेलेबल. सो दैट कैन बी डन. देन फॉर्मिंग एंड कटिंग द हेलिकल थ्रेड्स कट कर सकते हैं. देन पार्टिंग ऑफ यानी कि स्टेप टर्निंग एंड देन नर्लिंग. सो दीज आर द ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ लेथ मशीन. ओके, अलग अलग टाइप्स ऑफ लेथ मशीन्स होते हैं. तो कैप्सन टर्रट लेते हैं. अभी यहाँ पर आपने जैसे देखा होगा, ये देखिए सेंटर लेथ करके यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आप इस्तेमाल करते हो दैट इज कॉल्ड एज सेंटर लेथ. एंड मोटर जो रहता है वो इंडक्शन मोटर होता है ताकि लोड ले सके. तो टर्रट लेथ है, कैप्सटन लेथ है. तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन उसके बीच में जो उसको यहाँ पर मेंशन किया है. देन इंजन लेथ एंड कैप्सटन टर्रट लेथ. तो इसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. अभी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि कैप्सटन टर्रट लेथ में रैम एंड दैट. सो हियर द टर्रट टूल इज हेड इज माउंटेड ओवर द रैम. यहाँ पर रैम पे ऊपर माउंट किया जाता है ओवर द सैडल. यहाँ पर जो टूल होता है उसको सैडल पे माउंट किया जाता है. सैडल यानी कि जो टेल स्टॉक पे जो जगह होती है वहाँ पर उसके ऊपर. ओके, देन और जो ये रैम है उसको सैडल पे ऊपर माउंट किया जाता है. तो ये वो कहाँ पर होता है, ऐसे यहाँ पर होता है. ओके, सैडल जो होता है वो यहाँ पर होता है. तो अभी इसमें क्या होता है, सैडल को ही मूव किया जाता है और इसमें सिर्फ रैम को मूव किया जाता है कटिंग करने के लिए. ओके, और बाकी के जो जैसे कि कैप्सन में ये लाइट वेट मशीन है, ये भी लाइट वेट मशीन है. देन यहाँ पर कैप्सन टरेट हेड कैनॉट बी मूव इन द लैटरल डायरेक्शन है. यहाँ पर क्रॉस वाइज आप मूव कर सकते हो. देन कैप्सन लेंथ दी कलेक्ट इज यूज फॉर द ग्रिपिंग. यहाँ पर कलेक्ट को इस्तेमाल करते हैं होल्ड करने के लिए. पावर जॉ का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं टू यूज द ग्रिपिंग द जॉ. सो ऐसे स्पेसिफिकेशन है अलग अलग. तो आपको अगर पूछा गया डिफ्रेंसिएशन, देन यू कैन राइट दिस कैप्सटन टरट लेथ का डिफरेंस एंड देन इंजिन लेथ एंड कैप्सटन टरट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है करके. सो अलग और भी टाइप्स ऑफ लेते हैं, जैसे कि बेंच लेते हैं एंड जैसे अलग अलग वर्क्स के लिए डिपेंडिंग अपॉन द वर्क्स के हिसाब से यूटिलाइज किया जाता है. सो दिस इज अबाउट द लेथ मशीन एंड पार्ट्स ऑफ द लेथ एंड वी हैव स्टडीड द ऑपरेशंस एज वेल एज वी हैव स्टडीड द स्पेसिफिकेशन. सो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें. सो प्लीज़ कमेंट हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस सेशन एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट द वॉट द वीडियोज यू रिक्वायर सो दैट आई कैन मेक वीडियोज ऑन दैट वन.